और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें, एमएलसी चुनावों की मतगणना लगातार जारी है। 5 सीटों पर हुआ था एमएलसी चुनाव, जिसकी मतगणना इस वक्त लगातार चल रही है और नतीजे देर शाम तक सामने आ सकते हैं। 5 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसके बाद आज मतगणना हो रही है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। 2 शिक्षक और 3 स्नातक क्षेत्र की सीटों के लिए मतदान हुआ था। 30 जनवरी को इन 5 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी और आज यानी कि 2 फरवरी को लगातार मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है और इनके नतीजे देर रात तक आ पाएंगे। ये जो मतदान हुआ था वो ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर पर हुआ था, इसलिए मतगणना में समय लगेगा, वक्त लगेगा और नतीजे देर रात तक सामने आ पाएंगे। तो रात तक इन सभी सीटों पर नतीजे सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सपा की निगाहें इन चुनावों पर टिकी हुई थी, क्योंकि अगर सपा इन 5 में से 1 सीट जीत जाती है तो एमएलसी अगर उनका 1 जीतता है तो साथ ही वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का जो पद छीना गया है सपा से वो वापस मिल जाएगा। 30 जनवरी को 5 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जिन पर इस वक्त लगातार मतगणना जारी है। सभी सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है और इस टक्कर में सपा की निगाहें इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि अगर 1 सीट पर भी सपा को विजय मिलती है तो फिर एमएलसी उनका 1 बढ़ जाएगा विधान परिषद में, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष की सीट पर वापस हक बन जाएगा समाजवादी पार्टी का। इस वक्त 9 एमएलसी समाजवादी पार्टी के पास हैं और अगर 1 सीट और जीतते हैं तो फिर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी वापस मिल जाएगी विधान परिषद में। 2 शिक्षक और 3 स्नातक क्षेत्र की सीटों के लिए चुनाव 30 जनवरी को हुआ था, जिस पर आज मतगणना हो रही है। 30 जनवरी को 5 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी और इन पर लगातार मतगणना जारी है। सभी सीटों पर भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना का काम लगातार सुबह से जारी है और देर रात तक नतीजे सामने आ सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, लगातार मतगणना का काम जारी है। 2 शिक्षक और 3 स्नातक क्षेत्र की सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जिस पर आज काउंटिंग चल रही है। देर रात तक चूंकि नतीजे सामने आएंगे, इसलिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की निगाहें इन चुनावों पर टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी के लिए 1 सीट जीतना बहुत अहम है और इसीलिए पार्टी की ओर से पूरी ताकत लगाई गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि 5ों ही सीटें भाजपा के कब्जे में आएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार जीतता है। पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना का काम लगातार जारी है और इन सीटों के लिए लगातार मतगणना चल रही है। रात तक इन सभी सीटों के नतीजे सामने आएंगे। ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से ये चुनाव हुआ था, इसलिए मतगणना में वक्त लगेगा। 2 शिक्षक और 3 स्नातक क्षेत्र की सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिस पर आज मतगणना का काम जारी है और देर रात तक नतीजे आने की संभावना है। 30 जनवरी को 5 सीटों के लिए एमएलसी की 5 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जिस पर आज मतगणना का काम सुबह 8 बजे शुरू हो गया था और देर रात तक मतगणना का काम जारी रहेगा। सभी सीटों पर भाजपा और सपा के बीच कांटे की और सीधी टक्कर बताई जा रही है। बसपा और कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं था। पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना का काम लगातार जारी है।